बताए हेलो। रहा। हाँ, मैंने कहा हाँ कैसा बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, पूरा। तभी अभी तक उसके नशे में से निकला नहीं हूँ, हालांकि मेरे को भी 11 बजे एक शूट शुरू करना है। स्टूडियो में पहुंचा हुआ हूँ, ओके। तो अभी वो एंकर आर्टिस्ट आई हैं, तो उनको थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं। मेरे अच्छा, साथी हैं विनय, वो अंदर साथ बैठे हुए, यू नो, वर्किंग आउट टेली प्रॉम्प्टर एंड एवरीथिंग। तो मैं तब तक लगा हुआ था अपने कंप्यूटर में, कुछ डाउनलोड कर लूं, हाँ तो बस इस करके। आई थिंक आपके जो जिस टाइम पीछे कॉल आए थे तो साइलेंट पर रखा हुआ था फोन मैंने, तो ओके। अभी जब आपको कॉल बैक किया, आप बिजी था, तो मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। अभी अपने रूम में बैठता हूँ, अपने चेम्बर में, तो अंदर डिस्टर्ब नहीं करेगा साउंड, तो वो हमें साउंड प्रूफ रखना पड़ता है शूट के टाइम। हाँ, वो जब आप दिल्ली आओगे ना, तो स्टूडियो में तो आपको आना ही पड़ेगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा, यू नो। इट इज अ बिग एसेट, वेल्थ फॉर मी, मेरे पैशंस के लिए, मेरे पॉजिटिविटी के लिए। हाँ, अब अपन उस पॉजिटिविटी को कैसे स्प्रेड करें सो दैट इट कैन गो फॉर द लार्जर कॉस्मिक पर्पस। हाँ, क्योंकि आई देखो, इंटेंड। बेसिकली बेसिकली हमको जो है कम्युनिकेट हाँ तो उसी भाषा में करना पड़ेगा जिस भाषा में पब्लिक समझती है, हाँ नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगी कि लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, हाँ और उनके चूंकि एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, ये सबसे बड़ी बाधा का कारण है। हाँ क्योंकि वो आपकी बात को उस अंदाज में समझने की सामर्थ्य नहीं रख पा रहा है, क्योंकि हाँ उसके एक्सपीरियंस उसको वैसा परमिट नहीं करते हैं। हाँ उसको लगता है कि नहीं भाई, जिंदगी तो बहुत कठिन है, जिंदगी तो ऐसी है, ये तो बड़े जो है ना ख्याली पुलाव बता रहे हैं, तो उस डायमेंशन को वो समझ ही नहीं पा सकता है। मतलब हाँ उसको जब, और जब तक वो काम, जब तक उसको वो समझना तो दूर की बात है, जब तक हाँ उसके वो एक्सपीरियंस में नहीं आएगा, तब तक वो डायमेंशन मैनिफेस्ट नहीं, वो डायमेंशन हाँ मैनिफेस्ट ही नहीं होगी जब तक उसके एक्सपीरियंस में वो नहीं आएगी। हाँ तो हमें जो है लोगों के में वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना इज ए चुनौती। और उसके लिए जो है बेसिकली जो आपका सिस्टम है, एंड हाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाँ यूजिंग द ऑल पॉसिबल मीन्स टू हाँ कम्युनिकेट सो दैट द पर्सन कैन परसीव एंड अंडरस्टैंड एंड उसमें वो आगे बढ़ जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो विच आई फील हाँ राइट। हाँ एंड उसमें जो है हमको अपनी कम्युनिकेशन को जो भी अपन कर रहे हैं हाँ उसमें हमें सबसे पहले सामने वाले का क्या वो है वो समझना पड़ेगा। हाँ बेसिकली वी हैव टू कन्फ्रंट विद देयर नेगेटिव एक्सपीरियंस हाँ एंड वी हैव टू रियली मेक देम बिलीव अबाउट द न्यू पॉसिबिलिटीज। और जब आप न्यू न्यू पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो यू आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली फिजिकल फिजिबिलिटी, यू हैव टू टॉक अबाउट द होल इकोसिस्टम। हाँ तो एक तो हो गया है थ्योरेटिकल फिजिबिलिटी और एक हो गया है मैनिफेस्टेशनल फिजिबिलिटी कि क्या वो ग्राउंड में अवतरित होगी या वो विचारों के ख्यालों में ही जो है ना उलझी रहेगी। तो जो ग्राउंड फिजिबिलिटी है हाँ वो डायमेंशन जो है इट हैज टू बी इफेक्टिवली कन्वेड एंड हाँ इट नीड टू बी कन्वर्टेड इन टू ए सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस राइट। हाँ अब रियलिटी ग्राउंड में है नहीं और फिर एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करेंगे, देयर कम्स द 3D एनिमेशन एंड अदर थिंग्स कि जो हाँ चीज आप सोच रहे हो कि ऐसा होने वाला है, हाउ इट विल लुक लाइक, टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ द मैन्युफेस्टेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ द 3D। तो जो लार्जर इंटेलेक्चुअल है वो हो सकता है कि आपकी बात से ही एक उसे। मिनट हाँ सर, एक मिनट, इसमें फाइल तो होनी चाहिए। हाँ एक मिनट सर, वो स्टूडियो में फाइल लोकेट कर रहे हैं, हाँ जस्ट वन मिनट। यूएसबी ड्राइव में डाली थी ना, इट इज अ पीडीएफ।
नहीं, फाइल्स में तो दिखाना चाहिए इसको, ऐप डाउनलोड करें फिर वर्ड फाइल का, देन यू हैव टू गो बैक टू होम पेज। तो चलो मैडम अपन बाद में बात करते हैं। हाँ मैं आपको कॉल करता हूँ सर, ठीक है ना। हाँ बट आई फील कि इवन दीज व्यूज आर वेरी इम्पोर्टेंट, हाँ, बिकॉज यदि ये पब्लिक पर्सपेक्टिव में जाते हैं हाँ तो दे कैन रियली रियलाइज कि दीज आर द वेरी सटल डायमेंशन, हाँ दे हैव टू रियली कंसिडर फॉर मेकिंग इट हैपन ऑन द ग्राउंड। हाँ ठीक, क्योंकि उनके जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको बहुत अच्छी एक्सपीरियंस में बाधा पैदा करते हैं, घुसने ही नहीं देते। तो मैं आपको फिर कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, तो आपकी अपनी तैयारी करिए कि हम थ्रू एनिमेशन, हाँ, जो अपन कह रहे हैं हाउ इट विल बी ऑन द ग्राउंड। तो दो तरीका है, एक तरीका तो ये है कि आप जो है ना पायलट प्रोजेक्ट में जहां जहां संभव है उसको रियल जो है आप फिल्मिंग करिए, ठीक है ना, हाँ, उसकी रियल शूटिंग करिए, बट दैट विल बी ओनली फिजिबल व्हेन द रियलिटी हैज बीन कन्वर्टेड ऑन द ग्राउंड, राइट। ठीक है, अब जब जब तब को रियलिटी पैदा नहीं हुई है, कैन बी इमेजिन दैट रियलिटी एंड हाउ इट विल बी इन एक्सपीरियंस, क्या हम उसको 3D एनिमेशन से, हाँ, जस्ट टू मेक द पीपुल फील, कैन बी क्रिएट दैट। हियर टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ वेरी बिग रोल, एंड वंस दैट दोज काइंड ऑफ द स्टफ कुड बी क्रिएटेड, इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग द पॉजिटिविटी, बिकॉज अपनी नेगेटिविटी उन चीजों को मैनिफेस्ट होने से रोक रही है। अदरवाइज आपका जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है वो ही अपने आप में इतना पावरफुल है कि वट एवर यू विल इमेजिन दैट कुड बी मैनिफेस्टेड इन द रियलिटी, राइट। लेकिन सबकॉन्शियस जो जो ब्रेन है वो क्या होता है कि हमारी रियलिटी चेक उसको उस कमांड को जो है सबकॉन्शियस माइंड में घुसने नहीं देती है। सो हाउ वी कैन रियली डिफाई दैट रियलिटी चेक, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ वी कैन हैव, जो अपन शब्दों से बात कह रहे हैं, इफ वी कैन क्रिएट द 3D एक्सपीरियंस ऑफ द सेम वर्बल कोर्स। हाँ, मेरे माइंड में है कुछ ऐसे, नॉट ओनली 3D बट इवन ड्रामेटाइजिंग एंड सम यू नो रियल लाइफ के जो सक्सेस स्टोरीज हम यूज कर सकते हैं। देखो बेसिकली नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उस तरीके का रियल एंड होलिस्टिक एक्सपीरियंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी। मतलब उसकी पार्ट डायमेंशन तो एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें अपन एक काम कर सकते हैं कि जहां जो डायमेंशन मिल रही है उसको कैप्चर करके और फिर उसको जो है, जैसे अज्यूम करिए कि फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है, कोई बगीचा होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं का कहीं दिखा के इंटीग्रेट कर देते हैं वो। सो देयर कुड बी अनदर पॉसिबिलिटीज कि हम रियलिटी का ही फिल्मिंग करें, जो डायमेंशन जहां मिल जाए। करेक्ट, अब सभी सभी डायमेंशन सब जगह नहीं मिलेंगे, राइट। तो हम क्या करें कि उसको मिक्सिंग कर दें, भाई जहां पे एक्वा डायमेंशन है वो एक्वा ले लें, एग्जैक्टली बी कीपिंग की डायमेंशन है बी कीपिंग की ले लें, जहां पे मेडिसिनल प्लांट की डायमेंशन है वो ले लें, तो उससे क्या है कि देन उसको हम क्यूमुलेटिव कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब रही जो है द ट्रांसपोर्ट एक्सपीरियंस, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपीरियंस, हाँ, तो अब यदि वो उस तरीके का जो है आपका पैकेजिंग नहीं है, उस तरीके का आपको क्वालिटी वो नहीं है, तो रियल लाइफ में आपको उसके एग्जांपल नहीं मिलेंगे। टिल यू क्रिएट दैट रियलिटी, इट हैज टू बी क्रिएटेड थ्रू द एनिमेशन और 3D। तो ये डायमेंशन के लिए आप अपने रिसोर्स पर्सन खोजो और हम इसको जो है, बिकॉज वी वॉन्ट टू ब्रिंग दैम इन देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि वंस दे कुड एक्सपीरियंस इट, रियलाइजेशन वुड बी वेरी इजी फॉर अस। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इट इज अ जर्नी, वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग इमेजनरी। मतलब आप मुझे पूरी बात में बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो कि डुएबल नहीं है और लाभकारी नहीं है। यदि डुएबल भी है और लाभकारी भी है, तो तंत्र जो है उसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए और ब्लॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन तंत्र तो ब्लॉक करने के लिए ही बनाया गया था। तो इसलिए अब इस तंत्र के रहते तो जो है थोड़ा दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि सरकार और तंत्र दोनों ही कॉलोनियल पावर के एक्सप्लॉयटेशन इंस्ट्रूमेंट थे, और हमने उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को उनके उसी भौतिक स्वरूप में और उसी सोच के साथ उसको रिटेन किया है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमने गोरे अंग्रेजों को काले अंग्रेजों से बदल दिया है।
तो अभी काले अंग्रेजों को भी जो है ना कि उनके सोच को बदलना पड़ेगा, और जो उनका जो कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आवश्यक बदलाव करना ही होगा, अदरवाइज दिस सिस्टम इटसेल्फ विल बी जो है ना, मतलब बिकॉज ऑफ द सिस्टम द थिंग्स विल नॉट हैपन। ठीक है, मैं इस पे आई विल गिव इट अ थॉट, शाम तक आई विल गेट बैक टू यू, राइट, कुछ मेरे आई फॉर्म अप माय आइडियाज एंड देन आई विल स्पीक टू सम रिसोर्स पर्सन आल्सो। ओके, तो आपको मैं अपना आइडिया पूरा शाम को फिर रिवील करके डिस्कस करते हैं, हमने आपको एंड विल गो हेड विद इट। हमने आपको एक लिंक दी है, हाँ मैंने मुझे, देखा था वो, हाँ हम उस लिंक के थ्रू बात करें। हाँ हाँ ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि देयर विल बी ए विजुअल इंटरेक्शन एंड एंड वी कैन रिकॉर्ड इट आल्सो, राइट, हाँ एंड सिलेक्टिवली उसकी भी जो है ना चीजों को आप कहीं कहीं एज ए क्लिप यूज कर पाए, ठीक है, मतलब ठीक सुनने वाले में रहेंगे, दैट शुड बिकम योर कॉन्टेंट रिकॉर्ड, जहां आपको वो सूट करता है, यू कैन मेक यूज ऑफ द सम पोर्शन वेयर एवर इट गोज गोज अलोंग विथ यू। हाँ हाँ और यू कैन सूट इट ऑन द सिंगल लाइन्स, क्योंकि आपको वो कहीं कहीं मिल जाएगा तो उसी तरीके हाँ हाँ हम उसको हाँ हाँ भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, है ना, ठीक है, आई विल गेट बैक देन। राइट राइट मदन, प्लेजर राइट सर, टॉकिंग, राइट, थैंक यू, ओके, माय प्लेजर सर, थैंक यू।